गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट ऑफ स्टैंडर्ड फोर्थ ऑफ गॉड मदर इंग्लिश स्कूल. टुडे वी स्टार्ट मैथ सब्जेक्ट चैप्टर 9 हेल्प्स एंड क्वार्टर इन विच वी हैव कंप्लीटेड क्वेश्चन नंबर 11. टुडे वी स्टार्ट द न्यू एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 12. ठीक है, अब इसमें क्या दिया गया है, सबसे पहले हम क्वेश्चन पढ़ते हैं. शेयरिंग 1 लीटर मिल्क इन द गिवन 4 बॉटल्स इक्वली, हाउ मच मिल्क डू इच बॉटल होल्ड. राइट इट एंड ऑल्सो मार्क द लेवल ऑफ मिल्क विथ पेंसिल इन ए इन इच बॉटल. ठीक है, तो हमें इसमें क्या करना है, तो 1 लीटर मिल्क जो है ना उसे हमें 4 कंटेनर में एक साथ रखना है. ठीक है, वो किस तरह से होगा वो हमें देखना है. ठीक है, तो देखो ये कैसे हो सकता है, तो 1 लीटर को जो है हमें 4 बॉटल में इक्वल हमें डालना है. ठीक है, तो देखो सबसे पहले एक चीज़ याद रखनी है कि 1 लीटर इक्वल टू कितने ml होते हैं वो हमें ध्यान रखना है. ठीक है, तो 1 लीटर इक्वल टू होता है 1000 ml. ठीक है, 1000 मिलीलीटर यानी. ठीक है, ये होता है. अब 1000 ml को हम ले लेते हैं और हमको क्या करना है, तो 4 बॉटल में इक्वली बांटना है, तो हम क्या करेंगे, डिवाइड बाई 4 करेंगे. ठीक है, इस तरह से, और डिवाइड करके देख लेंगे कितने का होगा. ठीक है, तो डिवाइड करते हैं तो कितना आता है हम चेक कर लेंगे. तो देखो 1000 डिवाइड बाई 4, 4 2 जा 8, यानी कितना बचा हमारा 2. ठीक है, 0 नीचे उतारेंगे तो कितना होगा, 5 जा 20. ठीक है, उसके बाद कितना है, 1 0 और नीचे उतारेंगे तो 0 0 जा. ठीक है, हमारा सॉल्व होता है, यानी हमारा आंसर कितना आ रहा है, 250 ml. ठीक है, 250 ml हमारा आंसर रहेगा. ठीक है, तो हम सारे बॉटल में कितना भरेंगे, 250. ठीक है, 250 सब जगह पे भरेंगे. ठीक है, 250 यहाँ पे भी, 250 यहाँ पे, 250 और 250. ठीक है, और इस तरह से हम ड्रॉ भी कर लेंगे, इस तरह भरेंगे. ठीक है, सब जगह पे तुम्हें इस तरह से भरना भी है. ये हो गया हमारा पहला सम. ठीक है, अब हम नेक्स्ट सम की तरफ चलते हैं. तो देखो यहाँ पे बोला है पोर द मिल्क हैज़ पर द मेजरमेंट. अब देखो यहाँ पे दिया कि तुम्हें इस तरह से भरना है, यानी जो मेजरमेंट दिया उस हिसाब से भरना है तुम्हें. ठीक है, इस तरह का, तो हम किस तरह से भरेंगे उसके बारे में हम देख लेते हैं. ठीक है, 1 लीटर की कैपेसिटी वाली एक बॉटल दी गई है, जिसमें अगर हमको बोला गया है कि 1.5 लीटर तुम्हें भरना है. ठीक है, तो 1/2 लीटर कितना होगा वो हम चेक कर लेंगे. तो देखो 1 लीटर इक्वल टू कितना ml है तो वो हमको पता ही है. ठीक है, तो 1000 ml होता है, उसको डिवाइड बाय यानी क्या करेंगे, तो 1/2 करेंगे, यानी 1000 मल्टीप्लाई बाय 1 और डिवाइड बाय 2. ठीक है, इतना होगा. यह आंसर रॉन्ग दिया, याद रखना. ठीक है, अब यहाँ पे क्या होगा, 1000 से 1 का मल्टीप्लाई होगा तो 1000 ही आएगा, और 1000 को फिर 2 से डिवाइड कर लेना है. ठीक है, तो कितना आ जाएगा, 2 5 जा 10. ठीक है, और 0 0, तो 1 0 यहाँ पे, 1 0 यहाँ पे. ठीक है, वापस एक और 0 नीचे उतारेंगे तो यहाँ 1 0, यानी कितना आया, 500 ml. ठीक है, यानी हमारा आंसर कितना है, 500 ml. ठीक है, तो 500 ml आया तो हमें यहाँ तक भर लेना है. ठीक है, हाफ तक, उसका हाफ भर लेना है, ये चीज़ है. ठीक है, तो यहाँ पे हमारा क्या आएगा, 500 ml आएगा, 150 नहीं आएगा. ठीक है, याद रखना. अब दूसरा हम देखेंगे, दूसरे में हमको बोला है कि 3/4 लीटर तुम्हें भरना है, तो कैसे भरेंगे हम, तो 1000 को यहाँ लेंगे. ठीक है, ये, और उसको हमको क्या करना है, मल्टीप्लाई बाय 3 डिवाइड बाय 4 करना है. ठीक है, तो 4 से इसका डिवाइड करते तो हमें पता कितना आता है, 250 आता है. ठीक है, और 250 को मल्टीप्लाई करेंगे 3 से तो कितना आता है, 750 ml. ठीक है, 750 ml, तो यानी तुम्हें यहाँ तक भरना पड़ेगा. ठीक है, 750 ml इसका आंसर रहेगा. अब नेक्स्ट हम देखते हैं, अब यहाँ पे बोला है कि 1/2 तुम्हें रिप्रेजेंट करना है, ये जो नंबर लाइन दी है उसमें. ठीक है, तो कैसे करोगे, तो देखो 1/2 लिखा है तो उसके आगे 1 या सब कुछ नहीं दिया है. ठीक है, पार्ट ऑफ है, यानी अब देखो किस तरह से करेंगे. देखो यहाँ पे क्या बोला है, 1/2, 1/4 और 3/4 जो है वो 20 cm का पार्ट है. ठीक है, हमें उसमें से जो है फाइंड करना है, इस तरह का बोला गया है. तो 1/2
मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे 20 ऐसे लिख देंगे, तो 2 20 वन ज़ा 20, ठीक है, और 2 से ये डिवाइड होगा तो कितना आएगा 10, यानी क्योंकि 2 10 ज़ा 20 होता है, ठीक है। तो 10 आया तो यहाँ पे तुमको एक डॉट करना है और यहाँ पे इस तरह से करना है, ठीक है। एक यह आएगा, फिर दूसरा हमें दूसरा नंबर क्या बोला, 1/4 बोला है, ठीक है। तो 1/4 लिखेंगे, 1/4 को मल्टीप्लाई बाय 20 करेंगे, ठीक है। 20 वन ज़ा 20 और 4 से ये डिवाइड होगा तो 4 5 ज़ा होता है, ठीक है। तो 5 हमारा आंसर आता तो यहाँ पे एक डॉट, ठीक है, इस तरह का। उसके बाद नेक्स्ट 3/4 लिखा है, 3/4 को मल्टीप्लाई बाय 20, ठीक है। 4 से ये डिवाइड होगा तो 4 5 ज़ा 20 होता है, और 3 5 ज़ा कितना हो जाएगा हमारा 15, तो 15 हमारा आंसर, तो 15 पे एक पॉइंट, ठीक है, इस तरह का। यानी टोटल 3 पॉइंट हुए, एक इधर, ठीक है, एक इधर और एक इधर, ठीक है, इधर एक, एक 10 पे, ठीक है, और एक 15 पे, इस तरह से हमें डॉट कर। अब नीचे क्या लिखा गया है वो देखते हैं, ठीक है। नीचे लिखा है कि टेकिंग ए 1 मीटर स्ट्रिंग, यानी एक डोरी लेनी है 1 मीटर की, और ऑन विच नंबर डू 1/2, 1/4, 3/4 पार्ट्स, यानी देखो ये 1/2, 1/4 और 3/4 क्या है, तो वो पार्ट है 1 मीटर स्ट्रिंग के, तो उसमें से हमें देखना है कि अगर उसको हम सेंटीमीटर में बदल दें तो कितना आता है। तो सबसे पहले देख लो 1 मीटर इक्वल कितना दिया गया है, 100 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम क्या करेंगे, 100 सेंटीमीटर का पार्ट बनाएंगे, तो 1/2 पहले दिया है, तो 1/2 को मल्टीप्लाई बाय हम क्या करेंगे 100, ठीक है। अब 2 के टेबल में 100 का बात हो वो हमें चेक करना है, तो 2 5 ज़ा 10 और एक 0 एक्स्ट्रा है तो 0, ठीक है। तो कितना आया, 50 वन ज़ा 50, यानी 50 सेंटीमीटर 1/2 का आंसर है, ठीक है। पहला आंसर ये होगा, फिर दूसरा 1/4 मल्टीप्लाई बाय 100, तो अब हम इसको डिवाइड करेंगे, तो 4 2 ज़ा 8, ठीक है, 2 बचा तो 20 हो गया, तो 4 के डबल 20 का बता तो 5 ज़ा, तो उसका आंसर कितना आएगा 25 सेंटीमीटर, ठीक है। तो हम यहाँ लिखेंगे 25 सेंटीमीटर 1/4 का, ठीक है। अब लास्ट है 3/4, तो 3/4 को 100 से मल्टीप्लाई करेंगे, और 4 से ये 100 डिवाइड होता है, तो 4 2 ज़ा 8 और 0 इधर चला, 2 इधर चला गया तो 20 हो गया, तो 4 के टेबल में 20 का बता है 5 ज़ा, तो यहाँ पे क्या बचा, ऊपर 25, यहाँ 3 बचा, तो 3 25 का कितना होता है हमारा 75 सेंटीमीटर, यानी 3/4 का आंसर है 75 सेंटीमीटर। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज 14, यूज द गिवन मेटल वेट टू बैलेंस द स्केल, ठीक है। अब यहाँ पे देखो जितने भी तुमको अलग अलग मेटल वेट दिए गए उसका इस्तेमाल करके तुम्हें सब जगह पे बैलेंस बनाना है, ठीक है, इस तरह का। तो देखो सबसे पहले हम देख सकते हैं 2 kg इस साइड दिया है, यानी यहाँ 2 kg दिया है, तो 2 kg बनाने के लिए हम 1 kg का एक वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं, और 500 और 500 ग्राम के दो वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। मगर सबसे पहले हम देख लेते हैं कितने वेट्स दिए गए हैं, ठीक है, तुम्हारे पास कितने वेट है वो देख लेना। और याद रखना है कि जितने वेट तुम्हारे पास है उतने ही वेट का इस्तेमाल करना है, एक्स्ट्रा वेट का तुम इस्तेमाल नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ पे देखो 1 kg का एक ही दिया है, 500 का दो दिया है, और 250 का 1 2 3 3 दिए, ठीक है, और 200 के कितने दिए, तो 200 के दो दिए, ठीक है, और 100 का एक दिया है और 50 का एक दिया है, ठीक है, तो उस हिसाब से इस्तेमाल कर सकते हैं। तो अब हम स्टार्ट करते हैं, तो सबसे पहले देखो 2 kg हमें बनाना है दूसरे साइड पे, तो 2 kg के लिए हम 1 kg का एक वेट इस्तेमाल करेंगे और 500 ग्राम पे दो वेट इस्तेमाल करते हैं, तो 2 kg हो जाएगा हमारा, ठीक है। फिर यहाँ हमें कितना दिया गया है, 1/2 kg लिखा है, सॉरी 1/4 kg लिखा है, 1/4 kg दिया है, तो हमें कितना दिखाना है, तो 1/4 यानी कितना होगा, तो देखो 1 kg में कितना होता है, तो 1000 ग्राम होता है, ठीक है, और हमें 1/4 बोला है, तो 1/4 डिवाइड करते तो कितना आता है, 4 2 ज़ा 8, 2 बचेगा तो 20 हो जाएगा, तो 5 ज़ा, और फिर एक 0 एक्स्ट्रा है,
तो 250 ग्राम होता है। तो 250 ग्राम बनाना है तो हमारे पास 250 ग्राम का एक वेट है, उसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं हम, और या तो 200 और 150 का वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, यानी अलग अलग तरीके से हम इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हमने क्या इस्तेमाल किया, 100 ग्राम का एक, ठीक है, तो यहाँ पे गलती है, तो हम यहाँ पे क्या इस्तेमाल करेंगे, खाली 200 ग्राम का वेट और 50 ग्राम का वेट। ठीक है, ये भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या 250 का वेट जो है तो हम इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट में हमें बोला है कि 3/4 हमें बताना है, तो 3/4 के लिए हम पहले फाइंड करना पड़ेगा कितना वेट होता है। तो यहाँ पे 1000 से हम मल्टीप्लाई कर लेंगे, 3/4 मल्टीप्लाई बाई 1000, तो 4 से ये डिवाइड होता है, 4 2 ज़ा, ठीक है, फिर 2 बचेगा 20 हो जाएगा, तो 5 0, ठीक है, 250 आएगा। 3 से इसका मल्टीप्लाई करेंगे तो 750, ठीक है, तो 750 हमारे पास दिया है, तो उसको हम इस्तेमाल करने के लिए हम क्या करेंगे, तो देखिए 500 का लेंगे, 500 ग्राम का, ठीक है, और दूसरा हम 250 का ले सकते हैं। ठीक है, तो 250 ग्राम ये हमारा हो गया, इस तरह से हम कर सकते हैं। और लास्ट में हमें बोला 1/2 kg हम बताना है, तो यानी हाफ kg बताना है, तो कैसे करेंगे, तो 1/2 मल्टीप्लाई बाय 1000, ठीक है, 1000 से 2 का डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 500, ठीक है, और 500 ग्राम आता है हमारा। तो 500 ग्राम के लिए हम 500 का वाट का इस्तेमाल कर सकते हैं, यानी वेट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, जिससे इक्वल आ जाएगा। ये हमारा पूरा हुआ एक्सरसाइज। अब नेक्स्ट एक्सरसाइज हम देख सकते हैं, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या दिया है, तो नेक्स्ट एक्सरसाइज में बोला है कि एक केक की कीमत जो है 200 है, ठीक है, और हाउ मच पार्ट डज, अब अगर उसमें से खाली 3/4 पार्ट निकाला जाए तो उसकी कितनी प्राइस होगी वो हमें फाइंड करना है। ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, तो 200 जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई बाय, सॉरी 200 जो प्राइस है उसको मल्टीप्लाई बाय 3/4 करेंगे। ठीक है, और 4 से 200 का डिवाइड करके देखेंगे, तो 4 5 ज़ा 20, 10 एक्स्ट्रा है तो 50 हो जाएगा, और 53 ज़ा कितना होता है, तो 53 का एंड 53 ज़ा 150 होता है। ठीक है, तो ये इतना रुपीज़ आएगा, यहाँ रुपीज़ भी लगाना है। ठीक है, रुपीज़ लगाया नहीं, यानी 150 रुपीज़ आता है। नेक्स्ट सम हम देखेंगे, तो नेक्स्ट सम में लिखा है कि एक वाटरमेलन है, ठीक है, एक वाटरमेलन दिया है जिसकी कीमत कितनी है 100, और उसका अगर 1/4 पार्ट निकाला जाए तो उसका कितना कीमत होगा वो हमें फाइंड करना है। तो हम 100 लिखेंगे, 100 इंटू 1/4, ठीक है, 4 से ये डिवाइड करेंगे तो 4 2 ज़ा 8, 2 बचता है तो 20 हो जाएगा यहाँ पे, तो 4 5 ज़ा 20, यानी 25 आया, 25 1 ज़ा 25, तो 25 रुपीज़ इसका प्राइस होगा। ठीक है, अब नेक्स्ट सम में हम देख सकते हैं 1 डजन मैंगो का कीमत कितना दिया है, तो 120, ठीक है, और हाउ मच डज हाफ डजन, तो हाफ डजन का कितना हुआ वो हमें फाइंड करना है। हाफ डजन यानी हमको इस तरह से लिखना है 1/2, ठीक है, ये ऐसे हाफ बोलते हैं, तो हम लिखेंगे 120 मल्टीप्लाई बाय 1/2, ठीक है, फिर 2 से 120 का डिवाइड करेंगे तो 2 6 12, और फिर यहाँ पे 10 एक्स्ट्रा, तो कितना हो गया 60, तो इसकी प्राइस कितनी आई, 60 रुपीज़। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट सम में हम देख सकते हैं यहाँ पे क्या दिया है, हाउ मच पार्ट डस 1/4 ऑफ 2 लीटर, अगर 2 लीटर वाटर दिया है तो उसका 1/4 पार्ट हमें निकालना हो तो कैसे निकालेंगे उसके बारे में हम देखेंगे। तो देखो यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, 2 लीटर
मल्टीप्लाई बाय 1/4, ठीक है, दोनों डिवाइड होते हैं, 2 2 जा, तो कितना बचा हमारा, ऊपर तो 1 ही बचा है खाली, तो 1/2 हमारा आंसर, ठीक है। और यहाँ लीटर में लिखेंगे तो लीटर। तो आज के लिए हम इतना ही रखेंगे, और जो मैंने आज तुमको दिया वही सारा नोटबुक में भी प्रैक्टिस करना है, ठीक है। थैंक यू।